देखिए, सरकार जो नियमावली लाई है उसमें बहुत सारी कमियां हैं और बहुत मुद्दे पे हम लोग को ऑब्जेक्शन है, आप लोगों को भी है, लोगों का गुस्सा भी निकल के आ रहा है सामने। लेकिन शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का जो अभी ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, आप देख रहे हैं कि जो फैसला ले लिया जा रहा है, चाहे वो सही हो गलत हो, उस पर अविलंब त्वरित कार्रवाई हो रही है। तो आप सब लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका जो भी है लेकिन तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं मिलेगा और 1 फरवरी से जो है ऑनलाइन आवेदन जो है वो लिया जाएगा, जो 15 फरवरी तक चलेगा। और इसी दौरान सारी प्रक्रियाएं रहेंगी, कब एडमिट कार्ड आएगा, क्या आएगा, सारा उसका शेड्यूल आ गया है। और 26 फरवरी से लेकर के 13 मार्च के बीच में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। उसमें लगभग चीजें ये भी स्पष्ट कर दी गई हैं कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा उनके लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 मतलब 36.5%, अति पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, दिव्यांग और महिलाओं के लिए भी 32% नंबर लाना अनिवार्य होगा। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। एक समस्या आ रही है कि ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपको मैंने कल भी बताया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आजकल जो भी एग्जाम आयोजित कर रही है वो ऑनलाइन मोड में आयोजित कर रही है, और इससे कुछ लोगों को समस्याएं हो सकती हैं, जो हमारे उम्रदराज शिक्षक बंधु हैं या जो बहुत कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। तो इसके लिए विभाग ने कहा है कि जो आपके पड़ोस के बगल में ICT लैब है जो सरकारी स्कूलों में, आप उस पर कर सकते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत लोगों को समस्या उसमें होगी, तो इस पर हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबों से अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए। तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं सुनी कुमार, समस्या है। दरअसल जो ऑनलाइन परीक्षा देना है वो बड़ी समस्या है। बहुत ज्यादातर ऐसे शिक्षक है जो बरसों बरस से पढ़ा रहे हैं, 20-20 साल से पदस्थापित हैं, वैसे में वो कंप्यूटर से उतना फ्रेंडली नहीं है, तो ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा वो कैसे देंगे? देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, परीक्षा सही से नहीं दे पाएंगे। ये तमाम तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा को लेकर। हालांकि BSEB यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो इस तरह की परीक्षा लेती है वो ज्यादातर ऑनलाइन लिए जाते रहे हैं, और इस बार भी ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो परेशानी यहां पर थोड़ा है, पेच फंस रहा है। हालांकि उन्हें सुझाव दिया गया है कि वो अपने आसपास के स्कूलों में कंप्यूटर सेंटर्स जो है वहां जाकर अभ्यास करें, तो ऐसे में वो ऑनलाइन परीक्षा देने में सक्षम होंगे। तो बात यहां यही फंस रही है, राजकर्मी बनना है, सक्षमता परीक्षा देनी है, 3 मौके दिए जाएंगे। इन तमाम चीजों के लिए सब कुछ गाइडलाइन तय कर लिए गए हैं, लेकिन पेच फंस गया है ऑनलाइन परीक्षा पर, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा देने में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सक्षम नहीं।